बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा है कि आपको यहाँ पर ना, ये जो हमारा रोड बन रहा है ना नीचे, ये सरकारी रोड जो है, ये कच्चा के इलाका से बिल्कुल ये इसा खैल की जो किनारा है दरिया का, जहाँ पर इसा खैल शुरू होता है वहाँ से लेकर बलुखैर रोड पर, ये देखें, ये है इसा खैल, ये इसा खैल शहर, ये जो बाउंड्री लाइन है ना, ये इसा खैल की है और यहाँ से कच्चा शुरू हो जाता है ये यहाँ से। तो यहाँ से लेकर बलुखैर रोड, मैं आपको ये जो ऑनलाइन मैप है ना, उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तो हो गया इसा खैल। ये देखें, ये इसा खैल जो है ना, ये इसा खैल का जो मेन अड्डा है ना, ये वाला मेन अड्डा है। यहाँ ये देखें, ये यहाँ से टर्न होता है और ये जाता है फिर सी पैक की जानेब। यहाँ मेन बाजार है ये वाला, तो ये मेन बाजार से हम सीधे कच्चे के इलाके में हम जाएंगे। ये वाला मेन बाजार आ रहा है, ये मेन बाजार जो लोग कहते हैं कि ये गिराया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि नीचे तो 33 फीट है। तो ये मेन बाजार की जो हम अपनी जबान में तो मण ही कहेंगे, ये जो इसका किनारा है ये दरिया का, यहाँ से दरिया था, कच्चे का इलाका था, तो ये यहाँ इसका ना किनारा है। यहाँ पतन भी कहते हैं, किनारा भी कहते हैं, और हमारे सरेकी में मण भी कहते हैं। तो ये दरिया की जो मण है ना, यहाँ से रोड शुरू होता है, यहाँ से इधर से यहाँ तक निकल चुका है रोड, यानी कि ये जो नाला है ना, इसे खत्म करके यहाँ पर भर्ती की गई है और यहाँ से ये आगे कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेकर ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लेकर अब मैं आपको लेकर जाता हूँ कि ये कच्चे का इलाका है सारा। यहाँ पर लोगों की जमीनें हैं, हमारी भी जमीनें हैं, सबकी जमीनें हैं, जो भी जमींदार तबका है। तो यहाँ से लेकर हमने कहाँ पर जाना है, अभी इसे अनजूम करते हैं। ये है मियाँ वाली, ये मियाँ वाली, और यहाँ पर किधर गया इसा खैल जी, ये इसा खैल, ये देखें, ये इसा खैल और ये मियाँ वाली। तो ये तो है ना कच्चे का रास्ता जो बन रहा है, ये इसा खैल और ये मियाँ वाली। और अभी अगर हम बाई रोड देखें, जो पुराना रोड था, तो यहाँ से लेकर ये आप चले जाएं, आगे निकलते जाएं, यहाँ ये देखें, ये बाई रोड जब सी पैक के अलावा जब हम जाते थे, तो यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ मियाँ वाली हम जा पहुंचते थे। और जब से सी पैक बना है, तो ईसा ख्याल से जहाँ ये सी पैक, ये यहाँ से सी पैक, ये आया सी पैक, ये यहाँ से कोटबेली इंटरचेंज से जहाँ हम उतरते हैं, और यहाँ से फिर रोड शुरू हो जाता है मियाँ वाली वाला, ये वाला रोड मियाँ वाली वाला। तो ये हमें शॉर्टकट जो रास्ता है ना, वो यही रास्ता है जो शॉर्टकट है। यहाँ ईसा खैल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ईसा खैल का किनारा कच्चे का इलाका शुरू होता है, और यहाँ जो आप कहते हैं ना बलुखैल रोड, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बलुखैल रोड कहाँ पर है। बलुखैर रोड को ये कैसे जो है ना टच करेगा, ये हमारा जो है ना, अभी यहाँ से बलुखैर रोड कहाँ गया यार, बलुखैर रोड हम जहाँ जहाज जो चौक है ना, जहाज चौक, उसे हम लेकर यहाँ बलुखैर रोड की तरफ आएंगे। वरना ये हो गया मियांवाली स्टेडियम और ये जहाज चौक हो गया। ये देखें, ये जहाज चौक है, यहाँ जहाज चौक से हम बलुखैर रोड की तरफ जाते हैं सीधा। ये नहर नहर गुजर रही है, और ये आगे
बलोखैर रोड है, ये बलोखैर रोड पर हम जा रहे हैं जी, ये सीधा बलोखैर रोड है। ये देखे ना, ये लिखा हुआ भी है बलोखैर रोड। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये बलोखैर रोड है। और यहां से फिर इनका इलाका शुरू हो जाता है कच्चे का। तो ये रोड जो है ना, इस रोड को जाकर लिंक करेगा यहाँ यहाँ पर, यहां से भी कर सकता है लिंक। यहां से फिर ये जो पक्की है ना, जो सड़कें हैं पक्की, ये एक गली है, यहां से भी कर सकता है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, तो ये यहां से भी कर सकता है। तो ये देखें, ये गलियां हैं, ये बलोखैर रोड है। तो यहां जाकर ये लिंक करेगा, और इसके दरमियान जो कहते हैं ना कि दरिया वगैरह आते हैं, तो ये एक दरिया ये है, ये छोटा सा नाला है। और ये तो फिर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये जो हमारी जबान में छोटी सी सड़क जो कच्ची कहते हैं, ये बनी हुई है। उसके बाद फिर ये एक दरिया है, ये वाला जो बड़ा दरिया है, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं कि ये बड़ा दरिया है। इसमें फिर जजीरे आ जाते हैं छोटे छोटे से, ये वाला बड़ा दरिया है। और ये छोटे छोटे ये भी छोटी जो है ना रोड है, तो इंडस रिवर, ये छोटी सी एक, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि दरिया, छोटा सा ये हो गया। फिर ये वाले जो दरिया है ना, ये आते हैं इसके इसके दरमियान में। तो आप देख सकते हैं कि ये, अगर हम इस ख्याल से इसका कंपैरिजन करें, तो ये ईसा ख्याल रहा और ये मियाँ वाली रहा। और ये ईसा ख्याल तो ये शहर है, ये कच्चे कला का यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है कच्चे कला का। और यहाँ से लिंक करता हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, ये आगे शहर है, ये वाला मियाँ वाली शहर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला बनता है, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर ही बनेगा। चलो अगर आप सोच लें कि ये जो रोड है ना, इस पर ना ये रोड है, इस पर पुल कैसे बनेगा, तो पुल तो हुकूमत का काम है। ये इस खैल यहाँ से शुरू होगा कच्चे कला का, यहाँ से रोड आएगा, और ये आगे जो है ना, ये दरिया वगैरह है, और ये जाकर लिंक करेगा यहाँ पर ये लिंक करेगा, यहाँ पर लिंक करेगा, ये बलोखैर रोड है, यहाँ पर जो है ना लिंक करेगा। तो यहाँ पर तो यार, अगर बन जाए ना, यहाँ तक भी बन जाए ये, और छोड़ें यहाँ इस ख्याल से लेकर, तो ये कितना एरिया आता है। अगर यहाँ तक बन जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पुल अगर बन जाए, फिर ये नहीं है, हम पुल तो हुकूमत का काम है बनाना, मतलब कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ तक जो अगर बनेगा, तो यहाँ तक भी हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा होंगी, जमींदार तबका जितना भी है उनके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। गंदम की जब काश्त वगैरह, कटाई वगैरह मुकम्मल हो जाती है, तो गंदम को अगर घर ले जाने के लिए भी बहुत से दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर जहाँ लोगों की, यहाँ से लेकर जहाँ तक जमीनें हैं, पूरा जो हमारा ईसा ख्याल, अहले ईसा ख्याल है उनकी, और इसके अलावा इस साइड पर भी लोगों की जमीनें हैं, हमारे ईसा ख्याल के बहुत से किसान भाई, बड़े बड़े काश्तकार जिनकी ये जमीनें हैं। तो हमें चाहिए कि इसका खैर में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए हमें। और ये जो रास्ता है, ये गवर्नमेंट का रास्ता है, ये कोई किसी की जाती मलकियत नहीं है। लिहाजा यही मैं तो आपसे कहूँगा कि इसमें हम सबका फायदा है, और इसमें नुकसान मेरे ख्याल में तो किसी का भी नहीं है। इस ख्याल से मियाँ वाली ये बनता है,
और भाई रोड जो है ना ये बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सी पैक से यहाँ से लेकर ये यहाँ तक बन रहा है। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी सी आगाही देने के लिए बनाई थी, वो भी जनाब ताहिर शाह गिलानी के रेफरेंस से। तो शुक्रिया बहुत बहुत।